जय श्री कृष्णा, हैप्पी दिवाली आप सभी को। हम सभी की तरफ से, पूरे सारथी परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी का, माँ लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके घर पर बना रहे। ठाकुर जी का, ठकुराइन का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। बस इसी अभिलाषा के साथ मैं आज आपके साथ कुछ दिवाली के अनोखे उपाय और टोटके लेकर आई हूँ। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी कि दिवाली पर आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। तो चलिए जी, मैं आपको आज करने वाले कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। तो चलिए जी, आपको बता देते हैं दिवाली की रात्रि में करने वाले कुछ सिद्ध उपाय। दिवाली की रात्रि में ज़रूर करिएगा आप ये सारे के सारे उपाय। वैसे तो दिवाली पर सुबह के वक्त हम रूप चौदस का पूजन करेंगे, इसलिए उस दिन सुबह उपटन लगा कर आप नहाएंगे। उसके बाद अपने घर के अंदर आप नमक का पोछा लगाएंगे और उस दिन आप अपने घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करेंगे। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप तोरण ज़रूर बांधेंगे, जिसे कि हम बांदरवार कहते हैं। और इस दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर रोली से, लाल रंग वाले सिंदूर से शुभ लाभ ज़रूर लिख देंगे। स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएंगे हल्दी का, जिसके अंदर आप थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा। इस दिन आपको पीपल के नीचे दीपक ज़रूर जलाना है। दिवाली की शाम में उड़द की दाल, दही और सिंदूर को मिलाकर आपको पीपल के पास रखाना है। साबुत उड़द लीजिएगा काली वाली और उसके नीचे एक दीपक जला दीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि ये करने से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखती हैं। चूँकि हम दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी का भी पूजन करते हैं, वो इस दिन वनवास से वापस अयोध्या आए थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने घर घर में दीपक जलाए थे, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। तो आप इस दिन हनुमान जी के मंदिर में एक पीपल के पत्ते के ऊपर सिंदूर से श्री राम लिखकर ज़रूर चढ़ाएंगे और वहाँ पर आप लड्डू भी ज़रूर चढ़ा कर आएंगे। ऐसा कहते हैं कि महालक्ष्मी का वाहन जो है उल्लू, वो उन्हें बहुत प्रिय है। तो दिवाली की रात्रि को अगर आप एक लक्ष्मी वाहन को अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं या उसकी फ़ोटो आप तिजोरी में स्थापित कर लेते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप में वास हमेशा बना रहता है। माँ लक्ष्मी को पूजन में कुछ चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि साबुत धनिया, जैसे कि कमल गट्टा, जैसे कि गोमती चक्र, जैसे कि मोती शंख, जैसे कि एकाक्षी नारियल, जैसे कि पीले रंग की कौड़ी। ये सारा सामान माँ लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाया जाता है और साथ में एक लाल चंदन का टुकड़ा भी महालक्ष्मी के पूजन में ज़रूर रखा जाता है। मध्य रात्रि में अगर आप अपने घर में बैठकर, यानी कि रात्रि में 1 बजे से लेकर 3:30 बजे के मध्य आप बैठकर स्फटिक की माला से महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होता है। इस रात्रि में गणेश जी का पूजन करने से भी बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए आपको दीपावली की रात्रि में बैठकर गणेश अथर्वशीष का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। चांदी की कटोरी में अगर आप कपूर जलाते हैं और माँ की आरती करते हैं, तो ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए आप लाल रंग का कोई वस्त्र महालक्ष्मी को अगर चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। महालक्ष्मी को काली हल्दी चढ़ाने से आपके शत्रुओं का नाश होता है और आपके घर को कभी भी नज़र दोष या तंत्र मंत्र नहीं पकड़ पाता। बरगद की पेड़ की जटा लाकर अगर आप उसमें गांठ लगाकर महालक्ष्मी के सामने रख देते हैं और अगले दिन आप इसे लाल कपड़े में बांधकर
थोड़ा सा लाल चंदन लगाकर अपनी तिजोरी में स्थापित करते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा धन का आगमन बना रहता है। ज़रूर करिएगा ये छोटे छोटे उपाय और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।